हबीबगंज से चलने वाली शाने भोपाल यानी भोपाल एक्सप्रेस सहित कुछ गाड़ियों में ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम शुरू किया जा रहा है। इस बारे में भोपाल रेल मंडल के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी श्री के दुबे ने दैनिक भास्कर .com को बताया। सर बताएं क्या है सिस्टम, कब तक क्या कर देंगे अपन? भोपाल रेल मंडल से चलने वाली जो तीन प्रेस्टिजियस ट्रेन हैं, जिसमें हबीबगंज से निजामुद्दीन जाने वाली 12155 12156 हबीबगंज निजामुद्दीन भोपाल एक्सप्रेस, इसी प्रकार हबीबगंज जबलपुर जनशताब्दी एक्सप्रेस, हबीबगंज से जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, इन तीन गाड़ियों में ऑन बोर्ड ट्रेन इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले एवं इंटरटेनमेंट सिस्टम लगाया जा रहा है। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है और ये टेंडर आगामी 21 सितंबर को खोले जाना है। इसमें जो प्रावधान किया गया है उस हिसाब से कि जो पार्टी इसमें टीवी स्क्रीन लगाएगी उस पे जो रेलवे इन्फॉर्मेशन है, जैसे ट्रेन रनिंग इन्फॉर्मेशन है, रिजर्वेशन है, रेलवे कंसर्न में दूसरी सूचनाएं हैं, और इंटरटेनमेंट रिकॉर्डिंग हो या लाइव हो उसके टेलीकास्ट के साथ साथ 25% टाइम स्लॉट वो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के लिए उपयोग कर सकेगी, जिससे कि उसको अर्निंग होगी। और इसमें जो चेयर कार कोचेज हैं उसमें दोनों गेट के ऊपर एक एक टीवी स्क्रीन और दो टीवी स्क्रीन बीच में, इस प्रकार एक एक कोच में चार स्क्रीन लगाए जा सकेंगे। और भोपाल एक्सप्रेस में दोनों एंड पर दोनों गेट की तरफ एक एक स्क्रीन का प्रावधान है। और इसके लिए साथ में हमने एक ऑपरेटर को भी अलाउ किया है ट्रेन में, कि जो पार्टी इसको मेंटेन करेगी उसका एक ऑपरेटर भी उसमें काम कर सकेगा। और सबसे बड़ा फायदा जो इसमें यात्रियों को होगा, विशेष रूप से डे ट्रेन जैसे हमारी जनशताब्दी एक्सप्रेस है और इंटरसिटी एक्सप्रेस है, कि यात्रियों का मनोरंजन के साथ साथ स्वस्थ मनोरंजन के साथ साथ उनको इन्फॉर्मेशन भी मिल सकेगी, जिसमें कौन सी गाड़ी कैसी चल रही है, रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, गाड़ी कब कहाँ पहुँची है, राइट टाइम है या लेट है, और इसके अलावा और रेलवे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ वो मान लो अपने घर में जैसे टीवी देख रहे हैं और हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, इसी इन्फॉर्मेशन से मिल सकेंगी। धन्यवाद दुबे जी।